Myself Nishant from Concept Life. Yesterday वाले वीडियो में हमने आपको लॉज ऑफ फ्लोटेशन और बोयंसी के बारे में बताया था. आज हम आपको फ्लूइड डायनामिक्स में बर्नौली के बारे में बताएंगे. ये पार्ट वन रहेगा और इसी में फिर पार्ट टू नेक्स्ट हम वीडियो जारी करेंगे. तो उसमें बर्नौली के बचे खुचे जो भी वेंचुरी मीटर और स्पीड ऑफ एफ्लक्स के जो भी क्वेश्चन हैं या जो ट्रिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी. तो फ्लूइड डायनामिक्स जिसमें कि हम बर्नौली थ्योरम डिस्कस करेंगे उसमें मैं सबसे पहले तो फ्लूइड को है जो वो आइडियल वाला लूंगा. आइडियल फ्लूइड कैसा? जो इनकम्प्रेसिबल हो, इररोटेशनल हो, नॉन विस्कस हो और वो फ्लूइड का फ्लो भी स्टेडी हो. ठीक है जी. इनकम्प्रेसिबल होने से तो क्या उसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट हो जाएगी और इररोटेशनल होने से अपने वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जैसी कोई टर्म उसमें लिखनी भी नहीं पड़ेगी. और लास्ट में नॉन विस्कस मतलब कि देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी व्हाइल द फ्लूइड इज फ्लोइंग. लास्ट में एक वर्ड आ रहा है स्टडी फ्लो. स्टडी फ्लो के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए एक लोकेशन है तो उस लोकेशन से ये कई सारे फ्लूइड पार्टिकल जब यदि पास होंगे तो जब ए में से पास हो नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली उसमें से बी पास हो या उसमें से सी पास हो तो उन सबकी वेलोसिटी सेम बनी रहनी चाहिए. तो स्टडी फ्लो का मतलब क्या है कि किसी भी दी गई पॉइंट से या लोकेशन से जो सक्सेसिव पार्टिकल यदि आपके जो चले आ रहे हैं वो सभी पार्टिकल उस लोकेशन से कांस्टेंट वेलोसिटी से या एक ही वेलोसिटी से गुजरे हैं. जैसे कहते हैं ना हिंदी में भेड़ चाल, वैसी बात है ये. अब आइए हम सबसे पहले इसमें शुरुआत करें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की. एक पुरानी कहावत है ना, वृक्ष कबहू ना फल भके, नदी ना संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर. तो वैसे के वैसे कोई भी पाइप जो होता है वो खुद से कभी भी पानी नहीं पीता है. तो जो भी पाइप के अंदर फ्लूइड एंटर करेगा वो उसमें एग्जिट करेगा ही करेगा. इसलिए मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम इक्वल टू मास लिविंग पर यूनिट टाइम. मतलब ना तो वेपराइजेशन में पानी का लॉस हो रहा है ना ही आपका कहीं कोई लीकेज है. तो उस मास को यदि हम कन्वर्ट कर लें वॉल्यूम इनटू डेंसिटी और पर यूनिट टाइम से तो हमें फाइनली वो स्टेप ही आ जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी. क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड माना था तो वो रो तो वैसे भी जा चुका है, रो तो आपका सेम होने से कट चुका है. तो ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी कि क्या क्रॉस सेक्शन एरिया एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका कांस्टेंट बना रहता है. इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी इज रेसिप्रोकल टू एरिया. हाँ, किचन गार्डन वगैरह में हम सब्जियों को पानी देने के लिए क्या करते हैं, पाइप के आगे थंब लगा देते हैं. थंब लगा देने से क्या होता है, उसका एरिया घट जाता है. एरिया रिड्यूस होती है क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है पानी की, तो वो पानी दूर तक रेंज ले लेता है. अब ये जो टर्म है एरिया इनटू वेलोसिटी, इसके जो ये नाम है वो आपको अच्छे से ध्यान रखने होंगे. तो एरिया इनटू वेलोसिटी को हम बोलते हैं वॉल्यूम फ्लक्स या फिर रेट ऑफ फ्लो या फिर वॉल्यूम पर सेकंड. तो ये तीनों चीजों को अच्छे से ध्यान रखें क्वेश्चन में, इसमें तो कोई भी वर्ड आ सकता है. और नहीं ध्यान रखना चाहते तो और भी अच्छी बात है. क्यों, आपको ऑप्शन देखने होंगे जो चारों ऑप्शन में यूनिट क्या है. यदि यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसको गौर करिए तो क्वेश्चन हमेशा गौर से देखिए. यदि मीटर क्यूब पर सेकंड की यूनिट है इसका मतलब तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए बी. और मीटर पर सेकंड यदि ऑप्शन में पूछा है तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी. तो मैं फिर से काम की बात है इसलिए मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि फ्लूइड वाले चैप्टर में यदि यूनिट आ रही है आपकी मीटर क्यूब पर सेकंड, तो मीटर क्यूब पर सेकंड का मतलब क्या हो गया, वो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट चाह रहा है. क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर सेकंड. तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड. यहीं पर इस फ्लूइड वाले चैप्टर में यदि मीटर पर सेकंड में वो आपसे ऑप्शन दिए हुए हैं या स्पीड ऑफ फ्लूइड पूछी है तो ऑब्वियसली आप किसको निकालेंगे, वी को. तो ये थोड़ा सा फर्क देखिएगा. एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है कि किसी पाइप में जो फ्लो रेट है वो है 2t मीटर क्यूब पर सेकंड. तो फ्लो रेट है 2t मीटर क्यूब पर सेकंड. तो यूनिट देख लें अच्छे से, ये क्या है आपका मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि ये क्या हो गया आपका, यही वॉल्यूम पर सेकंड. तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं, dv बाई dt. ये v आपका कैपिटल है, ये v आपका थोड़ा स्मॉल है. तो इस dv बाई dt को यानी वॉल्यूम पर सेकंड को आपने किसके बराबर लिख दिया, 2t के बराबर. फिर क्या होगा, वही dv को उधर छोड़ देंगे, dt इधर आ जाएगा. तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा कि वॉल्यूम निकालना ना आपको, हाउ मच लिक्विड इज फ्लोइंग.
तो वॉल्यूम निकालने के लिए 2t dt इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 5, क्योंकि टाइम की लिमिट लेनी है आपको 5 सेकंड के अंदर। सॉल्व कर लेंगे t² / 2, 2 से 2 कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा t², और जब लिमिट सॉल्व कर लेंगे तो वह आ जाएगा 25 m³। तो मीटर क्यूब में दे रखा है तो आंसर 25 m³ होगा, और वो kg में देगा तो ऑब्वियसली डेंसिटी इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन देखने के बाद अब ये वाला देखिए आप अगला। ये क्वेश्चन एम्स 2013 में आया हुआ है, और वो जो कंटिन्यूटी इक्वेशन अभी हम सीख के आए हैं वो हाइट से इंडिपेंडेंट है, हाइट पे डिपेंड ही नहीं करती। उसमें हाइट आई कहां है भाई, बर्नौली में तो हाइट आएगी तब का तब देखेंगे, पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में एक्चुअली सिर्फ ये 4 वेरिएबल हैं, एरिया और वेलोसिटी इधर और एरिया और वेलोसिटी इधर। इसमें तो क्या करेगा, कोई से 3 आपको पता होंगे तो वो एक आपसे पूछ लेगा, यही तो होना, और क्या हो रहा है। तो 3 पता होंगे, एक आपसे पूछ लेगा। तो यहां पर उसने क्या बोला इस क्वेश्चन में जो एम 2013 में आया था, अ नॉन विस्कस फ्लूइड ऑफ डेंसिटी फ्लोज इन ए ट्यूब ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन। तो वो वेरिएबल क्रॉस सेक्शन क्या क्या है, 40 and 20। तो इधर का 40 cm² एरिया है और दूसरे वाले साइड का उससे नैरो एरिया है, दैट इज 20 cm². फिर जो 40 cm² वाला एरिया है वहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी 3 m/s, और जो नैरो सेक्शन है वहां पर वी वेलोसिटी उसने पूछी है। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर है आपके सामने। हाइट भी दे रखी थी, दे तो हाइट भी रखी है, पर ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिए, कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि एरिया वेलोसिटी इधर का पता है तो इधर का एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट इक्वेट कर देंगे। तो कई जगह कई बार वो क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए भी देता है, जबकि टॉपिक बहुत ही हल्का सा है, पर क्योंकि आप एग्जाम टाइम में टेंशन में होते हैं, बर्नौली आपके ध्यान में होती है, तो वो कंटिन्यूटी भी आप अप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, तो हाइट दिए होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप बर्नौली को इसमें अप्लाई करेंगे करेंगे, ये आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन से चला रहा है। तो बस इधर का एरिया कितना 40, वेलोसिटी कितनी 3, तो ये क्या टर्म आएगी 40 × 3, ये देखिए इधर, तो 40 × 3 का प्रोडक्ट तो इस साइड में हो गया, फिर दूसरे वाली साइड में एरिया इंटू वी, ये लीजिए इधर की यूनिट सेम है इसलिए मैंने इधर कुछ मीटर में भी नहीं बदला है। तो इसको आप सॉल्व कर लें तो 22 × 2 = 6, तो ये आपका 6 m/s आ गया। तो इसमें क्या था, वो यूनिट मीटर पर सेकंड में दे रखी थी, इसका मतलब आपको वेलोसिटी या स्पीड ऑफ फ्लूइड निकालनी थी। अब ये वाला क्वेश्चन है, किसी भी टेप को, वॉल्व को, नल को खोला तो खोलने के बाद उसकी पानी की धार इस तरह से गिरती है, और वो जैसे जैसे नीचे गिरती चली जाती है तो वो नैरो होती जाती है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो एरिया ऑब्वियसली यहां भी कम होता चला जाएगा, आप अच्छे से जानते हैं। तो जैसे जैसे नीचे गिर रहे हैं फ्री फॉल हो रहा है, क्योंकि जब पानी हवा में गिर रहा है तो क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो एरिया घटता चला जाएगा। तो क्वेश्चन एक बार देख लें भाई, वर्टिकली डाउनवर्ड वो गिर रहा है, उसकी इनिशियल स्पीड है 1 m/s, यानी इस जगह पर जब वो टेप से जस्ट फ्री हुआ है तो 1 m/s से गिर रहा है, टेप का उस जगह का एरिया भी इसने दे रखा है मीटर स्क्वायर में, तो कुछ कन्वर्ट भी नहीं करना, ये एरिया हो गया, ये वेलोसिटी हो गई। फाइंड आउट इस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्ट्रीम और फॉसेट 0.15 m बिलो द टेप। तो नल से 0.15 m पर आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आपको निकालना है। अप्लाई में इसमें अभी भी कंटिन्यूटी इक्वेशन करूंगा, बट यहां पर वेलोसिटी डायरेक्टली नहीं दे रखी, वो इनडायरेक्टली दे रखी है, क्योंकि इधर तो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट नोन है 1 × 10⁻⁴, इधर ये पूछा है और ये इनडायरेक्टली दे रखी है। कैसे दे रखी है उसके लिए देखिए मैं ये बात बोलूंगा, फ्री फॉल में क्या होता है, एक्चुअली प्रेशर सेम होता है, प्रेशर सेम जब भी होगा तो आप बड़े आराम से फ्री फॉल वाली इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसा कैसा क्वेश्चन आई रोदोम में, तो उन्होंने भी बर्नौली लगाने के बाद फिर से वो यहीं पर चले आए, तो मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोलूंगा, पर क्योंकि अभी कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको बतानी थी इसलिए हम यहां पर जो फ्री फॉल की इक्वेशन होती है ना, v² = u² + 2gh आप लगा लें, और सीखना है ही है ये क्वेश्चन, ट्रिक की तरह ही सीखने हैं। यदि इन क्वेश्चन को कोई वीडियो आपको 1.5-2 मिनट में करके दिखा रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ये प्रीवियसली आया हुआ है AIEEE 2011 में। इसके अलावा जितने भी नंबर वन कोचिंग है उन सबके मॉड्यूल में ये है, जो भी टॉप ऑनलाइन क्लासेज हैं सब इसको डिस्कस करते हैं, इसीलिए मेरे को इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी था। तो टेप से जब भी पानी इमर्ज होगा और फॉसेट की तरह नीचे गिरेगा तो वर्टिकल जो जितना वो डेप्थ में जितना उसने हाइट ट्रेवल कर ली, तो वेलोसिटी का ये ऑर्डिनरी फॉर्मूला जो होता है फ्री फॉल में v² = u² + 2gh, उसका ही हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो आइए देखिए वेलोसिटी अभी निकल के आती है, भाई यहाँ की वेलोसिटी v मान ली और इनिशियली इतने से इमर्ज हुआ था, तो v² = 1² + फ्री फॉल है इसलिए
जी की वैल्यू 10 ले ली हमने, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की 0.15, इसको जरा आप सॉल्व कर लें तो वेलोसिटी आपको बड़े आराम से 2 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगी। ठीक, अब क्या करना है, वही एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो इधर की एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होगी, 8 × 2, आप इसको सॉल्व कर लें, ये इसको काट के आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये फॉसेट वाला क्वेश्चन शॉर्टेस्ट एफर्ट से इस तरह से हो सकता है, कंटिन्यू इक्वेशन लगाएं और वही वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh फ्री फॉल की इक्वेशन लगा दें। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू इक्वेशन की जो जानकारी थी वो यहां तक हो चुकी। एक उसमें ज्यादा यह आ सकता है कि एक पाइप है जो आगे जाकर आपका इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये 3 सेक्शन हो गए। तो यहां पर अपन ने एरिया और वेलोसिटी ये मानी, तो इनकमिंग फ्लूड और इधर का एरिया और वेलोसिटी ये अपन ने ले लिया और इधर का एरिया और वेलोसिटी अपन ने ये ले लिया। तो पता है सिर्फ इतना सा आपको रिलेशन लगाना है, क्योंकि टोटल मास इज कंजर्व यानी वॉल्यूम पर सेकेंड, तो वॉल्यूम पर सेकेंड यानी एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट दोनों तरफ कॉन्स्टेंट रहेगा। तो A1V1 इज इक्वल टू A2V2 प्लस A3। बस तो कंटिन्यू क्वेश्चन में इतने 3-4 क्वेश्चन का अंदाजा आपको सही है, और हाइट से इंडिपेंडेंट होता है, आप कहीं भी ले जाएं पाइप को, जितना पानी उसमें एंटर करेगा उतना उतना बाहर निकलना तय है। अब आ जाएं बर्नौली थ्योरम के पास। तो बर्नौली थ्योरम इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और क्योंकि आपने वही सब आइडियल फ्लूड मान लिया था, इनकंप्रेसिबल मान लिया था, तो एनर्जी का दूसरा कहीं कोई लॉस भी नहीं हुआ, विस्कोसिटी आपने मानी नहीं थी, तो उसके चलते एनर्जी का सम जो है वो बहुत ही आसान से टर्म्स में आ जाता है ना। तो यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का टर्म आया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का, क्योंकि आपने ए रोटेशनल फ्लूड माना था, ठीक है, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन वगैरह भी लिया ही नहीं अपन ने, क्योंकि नॉन विस्कस फ्लूड था। तो बर्नौली थ्योरम क्या बोलती है, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हमने किससे दिखाया, हाफ रो वी स्क्वायर, ये रो डेंसिटी है, प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये रो जी एच करके यहां पर दिखाया हुआ है। तो इन तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा एट एनी पॉइंट इन द ट्यूब फॉर आइडियल फ्लूइड। तो जब भी आइडियल फ्लूइड किसी पाइप में बह रहा होगा तो उसके किसी भी पॉइंट पर इन तीनों का सम आपका कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है जी, अब एम 2011 में एक्चुअली उसने क्वेश्चन पूछ लिया था कि व्हाट इज द प्रेशर हेड। तो हेड के टर्म में मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि भाई किसी टंकी में पानी भरा हुआ है तो उस पानी की ऊंचाई को ही आप जनरली क्या बोलते हैं, हेड। तो उस ऊंचाई की यूनिट क्या हुई, मीटर। तो आप जरा ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन को यदि आप हेड या सिर्फ मीटर की डायमेंशन में रखना चाहते हैं, हेड या मीटर जैसी डायमेंशन, हेड की, हेड या मीटर की यूनिट में रखना चाहते हैं, तो इस एच को फ्री कर लेंगे। तो इस एच को फ्री करने का रास्ता क्या है, आप इसको रोजी से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही आप इसको रोजी से डिवाइड करेंगे तो पी वाई रोजी एक टर्म आएगी, रोजी से डिवाइड कर देंगे, रोजी से रोजी कट के एच एक आएगा, और एक इधर रोजी से डिवाइड कर देंगे तो ये आपकी वी स्क्वायर वाई 2g की टर्म आएगी। तो एच को हम हेड बोलेंगे, ठीक है जी, और वो एक्चुअली क्या होगा, पोटेंशियल हेड होगा, क्योंकि यहां पर वो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम थी। सिमिलरली ये भी एक हेड कहलाएगा पी वाई रोजी, पर यह आपका कौन सा कहलाएगा, प्रेशर का हेड, और ये आपका हो गया वेलोसिटी हेड वी स्क्वायर वाई 2g। तो सभी टर्मों को रोजी से डिवाइड करने पर ये जो टर्म बचेंगी वो आपकी हेड कहलाती है, पोटेंशियल का हेड, वेलोसिटी का हेड। तो प्रेशर का हेड आपसे इसमें पूछा गया था एम्स में, तो उसका आंसर क्या था, पी वाई रोजी। तो जब भी हेड वर्ड आए तो बस आप तो कहते ना कि भाई एच, सिर्फ एच में इक्वेशन जनरेट कर लें, तो एच में लाने के लिए पूरी इक्वेशन को रोजी से डिवाइड करेंगे। अब उस बर्नौली थ्योरम को हम किसी एक हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए लगा के दिखाते हैं। तो वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का एक हॉरिजॉन्टल पाइप आपके सामने दिखाया हुआ है, यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, नैरो हो गया है, पर पाइप मेरा हॉरिजॉन्टल ही है, ठीक है। तो अब मैं जो भी ये प्रूफ करूंगा ये सब किसी हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए करने जा रहा हूं। अब क्योंकि पाइप हॉरिजॉन्टल है तो ये जो सर्कुलर एलिमेंट ऑफ फ्लूइड लिए हैं उनके सेंटर क्या होंगे, एक ही लाइन पर होंगे, एक ही लाइन पर होंगे, तो दोनों तरफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म सिमिलर होगी, तो ये आपस में कट जाएगी। तो जब कट जाएगी यानी कि पॉइंट वन पर आपने बर्नौली लगाई ये वाली सेक्शन, पॉइंट टू पर आपने बर्नौली लगाई और उसमें से रोजीएच रोजीएच तो आपने कैंसिल कर दिया, पी टू उधर चला गया तो पी वन माइनस पी टू हो गया, और ये जो टर्म है वो इधर आ गई तो वी टू स्क्वायर माइनस, ये देखिए मेरे ख्याल से आपको बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा। तो हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए रोजीएच रोजीएच की टर्म हमने काट दी क्योंकि दोनों के लिए सर्कुलर एलिमेंट एक ही लाइन पे थे, तो
जब भी मेजर करेंगे तो इक्वल टर्म या इक्वल मैग्नीट्यूड आएगा। अब देखिए इससे आगे क्या हुआ। यहां पे साफ साफ दिख रहा था A1 का या पॉइंट वन का एरिया बड़ा है, पॉइंट टू का एरिया छोटा है, तो कंटिन्यू इक्वेशन क्या बोलिए कि भाई एरिया और वेलोसिटी रेसिप्रोकल है। तो जब वन का पॉइंट का एरिया बड़ा है तो इसका मतलब पॉइंट वन पर वेलोसिटी जो होगी वो छोटी होगी, ठीक है। किचन गार्डन वाले में भी ये एग्जाम्पल दिया था अपन ने। तो ये जो है कि भाई वेलोसिटी एट वन इज लेसर देन V2, जब मैं इसमें डालूंगा यानी ये पॉइंट वन वाली V1 वेलोसिटी छोटी है और V2 वाली बड़ी है, तो ये जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा होगा, ठीक है जी। तो जीरो से बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, P1 माइनस P2 ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब फाइनली क्या निकल गया, P1 इज ग्रेटर देन P2। तो कुल मिलाकर हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए आप क्या क्या पाते हैं, जिस जगह का एरिया बड़ा है उधर का प्रेशर भी बड़ा होगा। देखो आपके सामने लिख रहा, तो ये वन सबस्क्रिप्ट है, यहां भी वन सबस्क्रिप्ट है, तो एरिया और प्रेशर एक ही फैशन में चलते हैं। यहां पर आप इसको गौर करिए, तो किसी भी हॉरिजॉन्टल पाइप जैसी सिचुएशन में एरिया और प्रेशर एक ही फैशन में चलते हैं, दोनों बढ़ेंगे तो उस जगह पर वेलोसिटी रिड्यूस होगी, या वाइस वर्सा, जहां पर ये दोनों एक साथ रिड्यूस होंगे, दोनों साथ साथ ही चलेंगे तो वहां पर वेलोसिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो वेलोसिटी को मैंने इसलिए रेड कलर के सिंबल से भी दिखाया है, रेड कलर के एरो से भी दिखाया है कि वेलोसिटी भाई एरिया और प्रेशर के साथ नहीं चलती, वो उससे रेसिप्रोकल या उल्टा चलती। यदि ये भी चीज आपने ध्यान रख ली तो आपको अभी आने वाले कई क्वेश्चन जो AIPMT एम्स में पूछेगा उसमें बड़ा हेल्प मिलेगा। फिर यदि ये आपको समझ में आ गया, ये भी आपको समझ में आ गया, तो मैं फोर्स भी फाइंड आउट कर सकता हूं। तो फोर्स लाने के लिए क्या होगा कि भाई हम जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स लाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दें। यहां पर एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रेशर डिफरेंस को एरिया से मल्टीप्लाई करते ही आपका रिक्वायर्ड फोर्स हो गया। अब इधर एरिया से मल्टीप्लाई किया है तो ऑब्वियसली इधर भी एरिया से मल्टीप्लाई हुआ। इसका इस्तेमाल तो अभी आने वाली मैं कई सारी स्लाइड्स में करूंगा, ठीक है जी। तो बहुत छोटी सी बात है, बर्नौली को अपने हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए करते करते एक तो इसको ध्यान रख लेना है और एक इसको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन अब कहां कहां होने जा रहा है, एरोफॉइल यानी एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं उनमें, तो विंग्स भी लिख दूं मैं जरा। फिर टीन की रूफटॉप, कई बार देखा ना वो मेटल के बने हुए कई मिडिल क्लास या पुअर लोगों के रूफ पर जो शीट होते हैं उनका भी अभी हम इससे डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से मेट्रो ट्रेन में बैठे या ट्रेन में बैठे तो आपको पता है कि एक येलो लाइन खींची होती है, हमेशा कहा जाता है कि फास्ट मूविंग ट्रेन के बहुत पास मत जाएं, यानी येलो लाइन से आपको दूरी रहना है, नहीं तो पता है वो ट्रेन आपको खींच लेगी, तो वो भी अभी हम इसी से डिस्कस करेंगे। फिर है स्प्रेयर, या फिर कहते हैं ना आजकल क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, तो जितने भी परफ्यूम या स्प्रे हैं उनमें जब वो बटन प्रेस किया जाता है तो क्यों लिक्विड आपको बाहर की तरफ मिलता है, वो सब इस सबसे अभी हम समझा देंगे, ठीक है। एरोफॉइल का क्वेश्चन तो एम्स में आया हुआ है, उसको भी मैं लेके आने जा रहा हूं, और ये टिन रूफटॉप का क्वेश्चन AIPMT 2015 में आया है, राइट से जिसको दिखाया है, इसको भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके आऊंगा। तो ये बर्नौली की बहुत काम की स्लाइड है, और अभी भी इसमें वेंचुरी मीटर वगैरह तो मैं अगले ही उसमें टर्न पे ले पाऊंगा, क्योंकि आधे घंटे से बड़ा वीडियो हम प्राय बनाते नहीं है। तो मेन यहां पर थे हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए, और इससे हमने ये बारी बात प्रूव कर दी, एरिया और प्रेशर एक ही फैशन में चलेंगे और ये उनके अपोजिट में चलेगा, और प्रेशर को फोर्स में बदलने के लिए एरिया से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसका एप्लीकेशन अब मैं सबसे पहले एरोफॉइल और इनमें ही बताना शुरू करता हूं, तो इसको जरा याद रखिएगा थ्रू आउट आने वाली स्लाइड्स के लिए भी। ये आपका एक मैंने एरोप्लेन का विंग्स जैसा दिखाया हुआ है, तो एरोप्लेन अपने रनवे पर उसने टेक ऑफ करने के लिए पहले तो भागा हुआ, तो भाग रहा है तो विंग्स की या खुद एरोप्लेन की भी शेप थोड़ी सी ऐसी होती है, ऊपर से उठी हुई होती है, तो जब वो भागेगा तो एयर की, एयर क्या है, फ्लूइड, हम बर्नौली थ्योरम एरोप्लेन पे अप्लाई नहीं कर रहे, हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, फ्लूइड पर, यानी कि वो एयर जो उसके टॉप से गुजरेगी उसके लिए। तो जो एयर है वो जो टॉप से गुजरती है, अब क्योंकि उसको ज्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ता है एज कंपेयर टू एयर पासिंग बिलो द विंग, तो जिसको लंबा पाथ तैयार करना होता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, फास्ट हो जाती है। तो वेलोसिटी फास्ट हो जाने से देख लीजिए आप, यदि वेलोसिटी फास्ट होगी तो वहां का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो जिस एरिया में भी या जिस फ्लो लाइन के अलोंग वेलोसिटी हाई होगी फ्लूइड की, उधर प्रेशर कम हो जाता है। तो जैसे ही वहां का प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे का प्रेशर हाई है, तो वो विंग को क्या करेगा, अपलिफ्ट देगा, और वो विंग, वो प्लेन ऊपर उठ जाएगा। अब इधर आ जाइए, किस पर, टीन के रूफटॉप पर। तो मेटल का बना हुआ टीन रूफटॉप है, ये उसकी रूम की दीवारें हैं, घर की दीवारें हैं। अब हवा चलेगी तो भाई दीवारों को तो तोड़ नहीं पा रही, थोड़ी बहुत खिड़की से एंट्री मिल जाएगी हवा को,
तो घर के अंदर तो जो वेलोसिटी ऑफ एयर है वो बहुत कम है, बट टॉप ऑफ द रूफ टॉप हवा बहुत तेजी से बह रही है, बहुत तेजी से बह रही है, और उसको करोड़पात भी लेना पड़ा तो वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। यही कहानी कि भाई इधर वेलोसिटी हाई होगी तो प्रेशर लो होगा, और इधर तो वेलोसिटी ऑफ एयर बहुत कम है तो इधर हाई प्रेशर बनता जाएगा, उधर लो प्रेशर है, तो क्या होगा? ये रूफ टॉप जो टीन का है, मेटल का है, वो ऊपर उड़ जाता है। वही कहानी यहां पर है। ट्रेन में भी जब ट्रेन फास्ट पास होती है प्लेटफॉर्म से, तो एयर से अटैच्ड जो भी एयर मॉलिक्यूल होते हैं, जो एयर होती है, उसकी भी वेलोसिटी खुद ब खुद बढ़ जाती है। अब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली प्रेशर कम हो जाएगा। किस तरफ? जिधर वो ट्रेन के साथ अटैच्ड जोन है वहां पर। तो जैसे ही वहां प्रेशर कम हो जाएगा, मान लीजिए इधर ट्रेन जा रही है, तो उस तरफ का प्रेशर कम हो जाएगा। मेरी तरफ तो एयर का फ्लो ऑर्डिनरी है, एयर का फ्लो किधर ज्यादा? जिधर ट्रेन जा रही है। तो मुझे किधर एक धक्का सा लगेगा, क्योंकि उधर प्रेशर कम है, इधर तो प्रेशर सफिशियंट है, तो मैं ट्रेन की तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगा, पुल हो जाऊंगा। इसी यही कहानी है कि बहुत बड़े ट्रक वगैरह जब गुजरते हैं और तेज रफ्तार से गुजरे, तो कम से कम जितनी भी ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, स्कूटी टाइप की चीजें हो गई, इनको उससे ठीक ठाक दूरी बना लेनी चाहिए। नहीं तो ये बड़े ट्रक वगैरह तो छोटे स्कूटी, साइकिल या ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो, क्योंकि हल्के होते हैं, उनको तो वैसे ही वो खींच के ले जाते हैं, तो अपने आप वो हैंडल डगमगा जाएगा और वो उसको उसके अंदर कोलिजन हो जाएगा। शिप के लिए भी ये कहानी है भाई। कोई भी दो शिप जब भी होते हैं, तो कोई भी दो शिप मान लीजिए इंडियन नेवी के ही हैं, तो जब भी वो पेट्रोलिंग करेंगे तो वो हमेशा एक सफिशियंट दूरी बना के चलते हैं। यदि सफिशियंट दूरी बनाने के बजाय वो काफी पास पास हों, तो पता है बीच की जो वाटर है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो बीच का प्रेशर कम हो जाएगा, तो पता है वो दोनों शिप आपस में ही कोलाइड कर जाएंगे। इसलिए उन दोनों शिप के बीच में भी एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस रखी जाती है। स्प्रेयर ऑफ फॉग, तो ये देख लें, तो इसमें पंप करने की मैकेनिज्म होती है। जैसे ही आप पंप करेंगे तो यहां पर एयर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जैसे ही एयर की वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर वहां पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस जोन में प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे यहां पर प्रेशर कम हो गया, यहां पर तो हवा तो इधर से थोड़ी हवा पास हो रही है, हवा तो यूं पास हो रही है, तो यहां पर प्रेशर ठीक ठाक है, तो बस क्या होगा? वो ऊपर उड़ जाएगा, हाई से लो की तरफ लिक्विड आ जाएगा। जब नेक्स्ट राउंड ऑफ पंपिंग करेंगे तो उस एयर के साथ ये जो लिक्विड ऊपर उठ के आ गया वो भी बाहर आ जाता है। तो ये तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, अब इसको अपन न्यूमेरिकल में बदलेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं इसका आप, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको एक बार अच्छे से देख लें। ठीक है जी, तो अब मैं इसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल में करूंगा, और ये जो दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं एम्स में या एपीएमटी में, उन दोनों को अपन डिस्कस करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाने जा रहे हैं, आ जाइएगा। रूफटॉप, तो हवा बह रही है 40 मीटर पर सेकंड, ये आपकी 40 मीटर, ठीक है, तो वेलोसिटी हाई है क्योंकि अंदर की तरफ, क्योंकि दीवारें हैं वगैरह, तो वहां तो वेलोसिटी ऑफ एयर काफी कम होगी, जीरो जैसी मान लें। रूफ का जो एरिया है वो 250 मीटर स्क्वायर है, तो फाइंड आउट द फोर्स, तो यही तो फॉर्मूला है ना, फोर्स इज इक्वल टू दिस टर्म, और ये किसके बराबर है? इस टर्म के बराबर। तो मैं इस सेक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे वेलोसिटी दे रखी है। तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी V2 की वैल्यू कितनी रख दूंगा? 40। और यहां पर जो डेंसिटी है ना, ये रो डेंसिटी है, वो उसने दे रखी है एयर की डेंसिटी, तो रो बाई टू लिखना है, तो डेंसिटी कितनी है? 1.2/2, और एरिया से मल्टीप्लाई करना, तो एरिया कितना रखा है? 250। तो ये आपका फोर्स का वैल्यू आने लग गया, और ये जीरो किसके लिए रखा है? कि भाई इस रूफ टॉप के ऊपर तो 40 से जा रहा है, और इसके नीचे की तरफ एयर की वेलोसिटी ऑलमोस्ट नहीं दी गई होती, तो क्या कर सकते हैं? बहुत कम माननी है, तो जीरो माननी है हमको, तो इसमें से इसको रिड्यूस कर देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। अपवर्ड जाना ही जाना है, क्योंकि जिधर वेलोसिटी हाई होगी उधर प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो ऊपर की तरफ प्रेशर कम है, तो इधर का प्रेशर ठीक ठाक होगा, तो किधर चल देगी रूफ टॉप? ऊपर उड़ जाएगी। तो ये आपका आया था एपीएमटी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो इसको मैं हटाता हूं। ये रहा एरोप्लेन का विंग, उस विंग के एरिया दे दिया, ऊपर की तरफ वेलोसिटी 140 है और विंग के नीचे की तरफ वेलोसिटी 140 है, तो ये उस तरह का कुछ विंग होगा, तो ऊपर की तरफ है 140 और नीचे की तरफ है 110। डेंसिटी ऑफ एयर भी दे रखी है, ये डेंसिटी है, तो फिर से वही फॉर्मूले का ये पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी दे रखी है तो इधर ही इस्तेमाल करेंगे, प्रेशर डिफरेंस देता उधर जाते हैं। तो रो की वेलोसिटी, रो की यानी डेंसिटी की वैल्यू 1.28, ये टू फॉर्मूले वाला, तो ये अपन फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है जी,
और ये हो गया आपका बी टू स्क्वायर, यानी वेलोसिटी कितनी है आपकी 140, और ये हो गया आपका वी वन का स्क्वायर। और फोर्स निकालेंगे इसको फाइनली किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया से। जैसे ही कर दीजिएगा आपको ये वाला मिल जाएगा। तो ये कब आया आपका एम्स 2015 में, तो इसको आप अच्छे से देख लें। तो एरिया डेंसिटी डिवाइड बाय टू हायर वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस स्मॉलर वेलोसिटी का स्क्वायर, और जिधर वेलोसिटी हाई है उधर प्रेशर कम होगा तो विंग्स को लिफ्ट मिलेगी, ऊपर की तरफ मिलेगी। एक इक्वेशन भी आपको हर मॉड्यूल में मिल जाएगा, तो इसमें हमको क्योंकि ये वाला पक्का करना है तो एक बार फिर बता देते हैं। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एरिया और प्रेशर तो एक ही फैशन में बढ़ते हैं, ऊपर की इंक्रीज हो जिधर होंगे एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, बट वेलोसिटी उस केस में रिड्यूस हो जाती है। तो ये आपको एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का एक पाइप दिखाया हुआ है, जैसे वेंचुरी ट्यूब का एक पार्ट है ना, वेंचुरी का आधा हिस्सा है ये, इसमें फ्लूड आपका इस तरह से बह रहा है, और इधर से जब इधर आप बढ़ रहे हैं तो इसको हमने एक्स डिस्टेंस से दिखाया है, मतलब इंक्रीजिंग एक्स करके दिखाया है। इधर एरिया बिगर है, इधर स्मॉलर है, तो हम जानते हैं जिधर एरिया बड़ा होगा वहाँ प्रेशर बड़ा होगा, और इधर एरिया क्या हुआ रिड्यूस हो गया, तो एरिया कम होते इधर क्या होगा प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है जी। तो प्रेशर वर्सेस डिस्टेंस के उसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है आपका सबका देखा हुआ होगा। तो प्रेशर वर्सेस डिस्टेंस, डिस्टेंस किधर ट्रेवल कर रहे हैं आप, फ्रॉम द ब्रॉडर यानी जिधर पाइप का एरिया मोटा है चौड़ा है उधर से लेके नैरो सेक्शन की तरफ। तो जैसे जैसे आप चौड़े एरिया से नैरो एरिया की तरफ जाएंगे प्रेशर क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि नैरो एरिया में प्रेशर क्या होगा देखिए। तो इसको इसी तरह से मान लें, तो जैसे ही आप इस नेक को पार किए हैं क्योंकि एरिया रिड्यूस हो गया तो प्रेशर भी या आपका रिड्यूस हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज इतना ही था। अभी भी इसमें वेंचुरी मीटर और पिटॉट ट्यूब और स्पीड ऑफ एफ्लक्स मैक्सिमम रेंज ऐसे बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं जिसको हम फ्लूइड डायनामिक्स के पार्ट टू में कवर करेंगे। तो कीप लाइक एंड व्यूइंग दिस चैनल एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।